वेलकम बैक टू गाइज। तो आज फाइनली मैं रिव्यू करूंगा रियल मी का नया बजट स्मार्टफोन आने रियल मी 3i का। तो देखते हैं इसमें क्या है फीचर, क्या है रिव्यू के बारे में आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कैसा ये स्मार्टफोन है, कितना बजट में मिलता है, कितना बजट स्मार्टफोन है या नहीं। तो चलिए लेट्स बिगिन करते हुए इस वीडियो को शुरू कर देते। तो मेरा नाम है संदीप कुमार, आप देख रहे हैं रिव्यू संदीप। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन का बटन दबा और जाके हमारे इंस्टाग्राम को भी जाके फॉलो कर ले और एक और चैनल है नया उसको भी जाके सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पर आपको एक सा रिव्यू मिलता रहेगा। जैसे कि कोई स्मार्टफोन आने वाला है उसका रिव्यू करूँगा। तो मेरा नाम है संदीप कुमार, आप सब जान गए होंगे, तो सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए रियलमी 3i का आज रिव्यू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं रियलमी 3i का रिव्यू। तो आपको ये स्मार्टफोन दो वेरियंट में देखने को मिलता है, 3GB रैम एंड 32GB का स्टोरेज के साथ एंड 4GB का रैम एंड 16GB का स्टोरेज के साथ। तो ये दोनों का प्राइस है 3GB एंड 32GB का स्टोरेज के साथ आप जाएंगे तो 7,999 रुपये में आपको पड़ेगा। अगर आप 4GB एंड 64GB के स्टोरेज के साथ जाना चाहेंगे तो आपको 9,999 के प्राइस में मिलेगा। अगर मैं इसकी पहले डिस्प्ले की बात करूँ तो इसमें आपको 6 इंच का HD+ देखने को मिलेगा, फुल HD नहीं देखने को मिला क्योंकि आप एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये 8,000 के रेंज में स्मार्टफोन है और आपको बजट स्मार्टफोन है तो आपको इतना में एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको एडजस्ट कर सकते हैं क्योंकि इतना रेंज में जो भी स्मार्टफोन आता है उसमें कोई भी फुल HD डिस्प्ले नहीं देखने को मिलता है। तो आप एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि रियलमी 3 भी आया था उसमें भी फुल HD नहीं दिया हुआ है तो आप एडजस्ट कर सकते हैं। मीडियाटेक हीलियो P16 का प्रोसेसर दिया गया है, ऑक्टाकोर प्रोसेसर है तो काफ़ी अच्छा रहेगा बजट स्मार्टफोन में, ये प्रोसेसर काफ़ी अच्छा लगता है। अगर मैं इसकी सिम ट्रे की बात करूँ तो ट्रिपल शॉट का सिम स्लॉट मिलता है, यानी कि दो सिम एंड एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं आप स्मार्टफोन में, ये ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है स्मार्टफोन में। तो अगर मैं इसकी चार्जिंग केबल की बात करूँ तो USB माइक्रो USB मिलने वाला है, टाइप सी नहीं मिलेगा। इतना बजट में तो आपको इतना ही एडजस्ट करना पड़ेगा तो एडजस्ट करते। तो अगर मैं इसके बैक पैनल की बात करूँ तो इसमें आपको प्लास्टिक का डायमंड करंट का बैक पैनल मिलेगा। अगर मैं इसके कलर की बात करूँ तो कलर आपको इसमें 3 कलर देखने को मिलेगा। पहला कलर है डायमंड ब्लैक, डायमंड ब्लू, डायमंड रेड कलर, तीनों कलर आपको अवेलेबल मिल जाएगा फ्लिपकार्ट पर। तो आपको अगर मैं इसकी बैटरी की बात करूँ तो 4000 का बैटरी दिया हुआ है, 4000 mAh का बैटरी दिया हुआ है तो आप काफ़ी लॉन्ग टाइम तक बैटरी आपका रहेगा स्मार्टफोन में। तो अगर मैं इसके प्राइस की बात करूँ तो प्राइस की बात कर दी जाती है 8,000 और 10,000 में आपको मिलेगा। 4GB रैम के साथ आपको जाना पड़ेगा 10,000 में, अगर 3GB के रैम के साथ जाना चाहेंगे तो आपको 8,000 में। तो कैमरा की बात करूँ तो अगर रेयर कैमरा की बात करूँ तो 13+2 MP, फ्रंट कैमरा की बात करूँ तो 13 MP। इसमें 3.5mm का जैक भी दिया हुआ है तो काफ़ी अच्छा स्मार्ट, काफ़ी स्लिम है तो अवेलेबल है फ्लिपकार्ट पर, जाके आप ले सकते हैं। अगर वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बताएं और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो बस आज के लिए इतना ही, बाय बाय।